ब्लास्ट में आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। इसलिए गहलोत कहे जाते हैं एक जनसेवक। आज ऐतिहासिक जीत के बावजूद गहलोत का फोकस कोरोना मैनेजमेंट पर है। अभी भी मुख्यमंत्री गहलोत का पहला फोकस प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति है। ट्वीट कर उन्होंने कहा, हमारे 3 कैबिनेट मंत्री दिल्ली गए, केंद्र सरकार के सामने प्रदेश की स्थिति की जानकारी दी, ऑक्सीजन एवं दवाओं का आवंटन बढ़ाने की मांग की थी। राजस्थान भाजपा के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से अपील की और कहा कि कोविड की स्थिति के कारण भले ही भाजपा नेता दिल्ली ना जाएं, लेकिन वीसी से केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर राज्य की मांग दृढ़ता से रखें। अमित शाह, हर्षवर्धन, मनसुख मांडविया एवं जेपी नड्डा से बात करें भाजपा नेता, प्रदेश में ऑक्सीजन और दवाइयों का आवंटन बढ़ाने की मांग करें। ये समय राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के लिए कार्य करने का है। हमारा प्रयास, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोरोना का मुकाबला करें। राजस्थान में कोई भी मरीज ऑक्सीजन की कमी से प्राण ना गवाए, इसके लिए हमें ऑक्सीजन की उचित मात्रा में आवंटन की आवश्यकता है। केंद्र ने पूरे देश के ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर दवाई के उत्पादन पर नियंत्रण कर रखा है, इसलिए हम ओपन मार्केट से भी ऑक्सीजन एवं दवाई नहीं खरीद सकते। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन की कमी है। प्रदेश भाजपा के नेताओं ने भी इस बात को माना, केंद्र से प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो यहाँ एक तरफ तो परिणाम आए, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा फोकस कोरोना मैनेजमेंट को लेकर है कि किस तरह से जो कमियां, जो दरकार प्रदेश को है, जिन चीजों की जरूरत है, उसे उसकी आपूर्ति जल्द से जल्द की जाए। अभी भी मुख्यमंत्री गहलोत का पहला फोकस प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति पर ही है। और ट्वीट कर उन्होंने कहा कि हमारे 3 कैबिनेट मंत्री दिल्ली गए, केंद्र सरकार के सामने प्रदेश की स्थिति की जानकारी दी, ऑक्सीजन एवं दवाओं का आवंटन बढ़ाने की भी यहां पर मांग की थी। राजस्थान भाजपा के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से भी उन्होंने अपील की और कहा कि कोविड की स्थिति के कारण भले ही भाजपा नेता दिल्ली न जाए, लेकिन वीसी से केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर राज्य की मांग दृढ़ता से रखें। अमित शाह, हर्षवर्धन, मनसुख मांडविया एवं जेपी नड्डा से बात करें भाजपा नेता, प्रदेश में ऑक्सीजन और दवाइयों का आवंटन बढ़ाने की मांग करें। ये समय राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के लिए कार्य करने का है। हमारा प्रयास है, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोरोना का मुकाबला करें। राजस्थान में कोई भी मरीज ऑक्सीजन की कमी से प्राण न गवाए, इसके लिए हमें ऑक्सीजन की उचित मात्रा के आवंटन की आवश्यकता है। केंद्र ने पूरे देश के ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर दवाई के उत्पादन पर नियंत्रण कर रखा है, इसलिए हम ओपन मार्केट से भी ऑक्सीजन एवं दवाई नहीं खरीद सकते। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन की कमी है। प्रदेश भाजपा के नेताओं ने भी इस बात को माना, केंद्र से प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री गहलोत का पहला फोकस कोरोना से निपटना है। बिना पक्ष विपक्ष की सोच के कोरोना से लड़ रहे गहलोत, प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हर संभव प्रयास गहलोत कर रहे हैं। सबसे पहले कि प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने फोन पर बात की, लगातार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ संपर्क में गहलोत रहे और बाद में अमित शाह, राजीव गाबा, पीके मिश्रा और अजीत डोभाल से भी उन्होंने संपर्क किया, लेकिन अभी तक नहीं मिली केंद्र से राजस्थान को पूरी मदद। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री गहलोत ने की राजस्थान भाजपा नेताओं से अपील, केंद्र के नेताओं से बात कर किसी भी तरह ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील उन्होंने की। कोरोना की पहली लहर में भी गहलोत साथ लेकर चले थे पूरे विपक्ष को और अब दूसरी लहर में भी कोरोना के साथ जंग में विपक्ष का पूरा सहयोग चाहते हैं। कुछ दिन पहले ही सभी सांसदों ने पत्र लिखकर अपील की गई थी और बिना किसी राजनीति के कोरोना के खिलाफ जंग में एकजुट होकर लड़ने की अपील की गई थी। पिछले कुछ दिनों पहले ही की गई थी और लगातार बार बार ये कहा जाता है कि सब एकजुट हो, एक साथ हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पहला फोकस ही है कोरोना से निपटने पर और बिना पक्ष विपक्ष की सोच के कोरोना से लड़ रहे हैं गहलोत। प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं गहलोत। सबसे पहले की प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने फोन पर बात की और लगातार लोकसभा स्पीकर और ओम बिरला के साथ संपर्क में है गहलोत और बाद में अमित शाह, राजीव गाबा, पीके मिश्रा और अजीत डोभाल से भी उन्होंने संपर्क किया, लेकिन अभी तक केंद्र से राजस्थान को पूरी मदद नहीं मिली। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान भाजपा नेताओं से भी अपील की है, केंद्र के नेताओं से बात कर किसी भी तरह ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने की उन्होंने अपील की। कोरोना की पहली लहर में भी गहलोत साथ लेकर चले थे पूरे विपक्ष को और अब दूसरी लहर में भी कोरोना के साथ जंग में चाहते विपक्ष का पूरा सहयोग। कुछ दिन पहले ही सभी सांसदों को पत्र लिखकर उन्होंने अपील भी की थी बिना किसी राजनीति के कोरोना के खिलाफ जंग में एकजुट होकर लड़ने की अपील की गई थी। सहारा और सुजानगढ़ ने दिया सीएम को बर्थडे गिफ्ट। कल है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन, जन्मदिन से पहले 2 सीट पर जीत का तोहफा दिया है। कोविड के कारण हालांकि जन्मदिन नहीं मनाएंगे गहलोत, लेकिन सहारा व सुजानगढ़ की जनता ने ये तोहफा दे दिया है। दोनों ही जगह महज एक बार प्रचार के लिए गहलोत गए थे, लेकिन एक बार में ही जनता ने मान लिया उनका संदेश और अब सहारा व सुजानगढ़ को रिटर्न गिफ्ट देंगे सीएम अशोक गहलोत।
हालांकि फिलहाल मुख्यमंत्री का पूरा फोकस कोरोना मैनेजमेंट में है, लेकिन कहा जा सकता है जिस तरह से जीत सहाड़ा और सुजानगढ़ में हुई है, सीएम अशोक गहलोत को ये जन्मदिन के तोहफे के समान है। कल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है और जन्मदिन से पहले दो सीट पर जीत का तोहफा दिया है। कोविड के कारण हालांकि जन्मदिन नहीं मनाएंगे गहलोत, लेकिन सहाड़ा व सुजानगढ़ की जनता ने यह तोहफा दे दिया है। दोनों ही जगह महज एक बार प्रचार के लिए गहलोत गए थे, लेकिन एक बार में ही जनता ने मान लिया उनका संदेश और अब सहाड़ा व सुजानगढ़ को रिटर्न गिफ्ट देंगे सीएम अशोक गहलोत। हालांकि फिलहाल मुख्यमंत्री का पूरा फोकस कोरोना मैनेजमेंट में है। तो रायसर उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं, लक्ष्मण राघो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, कांग्रेस ने दिखाई कमाल की परफॉर्मेंस, सुजानगढ़ और सहाड़ा में कांग्रेस की जीत, जीत की पटकथा में मुख्यमंत्री गहलोत की भूमिका रही। गहलोत ने फोन पर क्षेत्रीय क्षत्रपों को साधा है, रघु शर्मा, धर्मेंद्र राठौर और भंवर सिंह भाटी जैसे नेताओं को फ्री हैंड दिया। सहाड़ा में रघु शर्मा और राठौर की रणनीति रही और यहां तक कि उन्हीं नेताओं को बुलाया जो वहां के लिए मुफीद थे। इधर सुजानगढ़ में मंत्री भंवर सिंह भाटी रहे लो प्रोफाइल, गहलोत के बजट और विकास कार्यों पर मांगे उन्होंने वोट। हालांकि राजसमंद में प्रताप का शौर्य का कांग्रेस के काम नहीं आया, हालांकि इसकी उम्मीद जरूर की जा रही थी कि अब ऐसे में दो सीट को लेकर तो आश्वस्त है, लेकिन तीसरी सीट राजसमंद उनके खाते में आ सकती है। यानी कांग्रेस ने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरह से सहारा और सुजानगढ़ में कांग्रेस की जीत हुई है, जीत की पटकथा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका रही। गहलोत ने फोन पर ही क्षेत्रीय क्षत्रपों को साधा है, रघु शर्मा, धर्मेंद्र राठौर और भंवर सिंह भाटी जैसे नेताओं को उन्होंने फ्री हैंड दिया। सहारा में रघु शर्मा और राठौर की रणनीति यहाँ पर काम आई और यहाँ तक कि उन्हीं नेताओं को बुलाया जो वहां के लिए मुफीद थे। भीड़ जुटाने के लिए वहां पर एकत्रित नहीं किया गया था, एकदम सिलेक्टेड लोगों को वहां पर बुलाया गया। इधर सुजानगढ़ में मंत्री भंवर सिंह भाटी लो प्रोफाइल रहे, गहलोत के बजट और विकास कार्यों पर उन्होंने जनता के बीच जाकर वोट मांगे। हालांकि राजसमंद में प्रताप का शौर्य कांग्रेस के काम नहीं आया। सहाड़ा में कांग्रेस की बड़ी जीत, गहलोत के दोनों सेनापतियों ने कमाल कर दिया है, डॉक्टर रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौर ने कमाल किया। गहलोत और माकन के सुपरविजन में दोनों ने अद्भुत चुनावी रणनीति बनाई और पूरा एक महीना वहां रहकर जबरदस्त चुनावी प्रबंधन किया। सहाड़ा पहुंचे अजय माकन ने भी इन दोनों के चुनावी प्रबंधन की तारीफ की थी और कही थी सहाड़ा की चुनावी टीम को राहुल गांधी से मिलवाने के बाद अब सहाड़ा के कार्यकर्ताओं की टीम को अजय माकन के निमंत्रण का इंतजार है। दूसरी ओर गहलोत और माकन सहाड़ा और सुजानगढ़ में जीत से खुश और उत्साहित यहां पर नजर आ रहे हैं, जिस तरह से जीत मिली, जीत को लेकर उत्साहित हैं। बड़ी जीत है सहाड़ा में, गहलोत के दोनों सेनापतियों ने ये कमाल कर दिया है, डॉक्टर रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौर ने ये कमाल किया। गहलोत और माखन के सुपरविजन में दोनों ने अद्भुत चुनावी रणनीति बनाई और पूरा एक महीना वहां रहकर जबरदस्त चुनावी प्रबंधन किया। सहाड़ा पहुंचा जब माखन ने भी इन दोनों की चुनावी प्रबंधन की तारीफ की थी और कहा था सहाड़ा की चुनावी टीम को राहुल गांधी से मिलवाने की बात उन्होंने कही। अब सहाड़ा के कार्यकर्ताओं की टीम को अजय माकन के निमंत्रण का इंतजार। दूसरी ओर गहलोत और माकन सहाड़ा सुजानगढ़ में जीत से खुश और उत्साहित है। उपचुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत का विश्लेषण, सहाड़ा और सुजानगढ़ दोनों सीटों पर कांग्रेस की एक तरफा जीत रही। सहाड़ा में रिकॉर्ड वोट प्रतिशत से जीती है कांग्रेस और इसका श्रेय गया डॉक्टर रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौर के सफल बूथ मैनेजमेंट को। कामयाब रही सहाड़ा में डॉक्टर रघु शर्मा धर्मेंद्र राठौर की रणनीति और वही मुख्यमंत्री गहलोत की गुड गवर्नेंस पर लगी है मुहर। वोटर्स ने गहलोत की ढाई साल के कार्यकाल पर मुहर लगाई है। सहाड़ा और सुजानगढ़ की सीटें जनता ने कांग्रेस की झोली में डाली है। अलबत्ता आज दोनों सीटों पर जीत से और भी मजबूत हुई है गहलोत सरकार। हालांकि पूरी तरह से फोकस यहाँ पर चुनावों के साथ साथ कोरोना पर भी रहा, लेकिन दूसरी तरफ जब उपचुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई है, अब बता दें सहाड़ा और सुजानगढ़ दोनों सीटों पर कांग्रेस की एक तरफा जीत रही, काफी अंतर से जीत दर्ज की है। सहाड़ा में रिकॉर्ड वोट प्रतिशत कांग्रेस ने जीता है और इसका श्रेय गया है डॉक्टर रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौर के सफल बूथ मैनेजमेंट को। कामयाब रही सहाड़ा में डॉक्टर रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौर की रणनीति, वहीं मुख्यमंत्री गहलोत की गुड गवर्नेंस पर भी यहां मुहर लगी है। वोटर्स ने गहलोत के ढाई साल के कार्यकाल पर मुहर लगाई है। सहाड़ा और सुजानगढ़ की सीटें जनता ने कांग्रेस की झोली में डाल दी है। अलबत्ता आज दोनों सीटों पर जीत से और भी मजबूत हुई है गहलोत सरकार। कांग्रेस के लिए लकी डॉक्टर रघु शर्मा, सचमुच उपचुनाव जीतने में एक्सपर्ट हो गए हैं रघु शर्मा। पहले गहलोत ने सौंपी थी रघु शर्मा को रामगढ़ उपचुनाव जिताने की जिम्मेदारी। रामगढ़ की शानदार जीत के बाद अब रघु को मिली थी सहाड़ा की जिम्मेदारी, जहां रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौर ने डेरा डाल दिया था। अब सहाड़ा में दर्ज हुई 42,200 मतों से रिकॉर्ड जीत,
पूरी कांग्रेस को थी केवल 25,000 वोटों से जीत की उम्मीद, लेकिन रघु की अगुवाई में आज 42,200 वोटों से कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की। हालांकि उम्मीद इन्होंने जताई कि जीतेंगे भी हम, 25,000 का मार्जिन ही रहेगा, लेकिन यहां पर अलग ही आंकड़े सामने आए जब आंकड़े 40,000 के पार पहुंच गया डिफरेंस में। सचमुच उपचुनाव जीतने में अब एक्सपर्ट हो गए हैं रघु शर्मा। पहले गहलोत ने उन्हें रामगढ़ उपचुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंपी थी और रामगढ़ की शानदार जीत के बाद रघु शर्मा को सहाड़ा की जिम्मेदारी दी गई, जहां रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौर ने दोनों ने ही डेरा डाला हुआ था। अब सहाड़ा में 42,200 मतों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की गई है। पूरी कांग्रेस को केवल 25,000 वोटों से जीत की उम्मीद थी, लेकिन रघु शर्मा की अगुवाई में आज 42,200 वोटों से कांग्रेस की शानदार जीत सहाड़ा में। पहली अग्नि परीक्षा में पास हुए डोटासरा, कांग्रेस दोनों सीट बचाने में कामयाब हुई। सुजानगढ़ सीट पर पूरी जिम्मेदारी डोटासरा की थी। सीएम ने डोटासरा को सुजानगढ़ जितवाने की जिम्मेदारी दी थी और सबसे ज्यादा प्रचार सुजानगढ़ में किया डोटासरा ने। पड़ोसी विधायक होने का असर नजर आया जाट वोट बैंक पर। नुक्कड़ सभाओं के साथ ही जातिगत समीकरण साधे थे डोटासरा ने और ऐसे में सुजानगढ़ की जीत का श्रेय डोटासरा को जाता है। सीएम गहलोत के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने में भी गोविंद सिंह डोटासरा कामयाब रहे हैं और इसलिए जीत का श्रेय भी उन्हें जाता है। पहली अग्नि परीक्षा में गोविंद सिंह डोटासरा पास हुए हैं, कांग्रेस दोनों सीट बचाने में यहां पर कामयाब हो गई है। सुजानगढ़ सीट पर पूरी जिम्मेदारी यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा की थी। सीएम ने डोटासरा को सुजानगढ़ जितवाने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। सबसे ज्यादा प्रचार सुजानगढ़ में डोटासरा ने किया। पड़ोसी विधायक होने का असर नजर आया जाट वोट बैंक पर। नुक्कड़ सभाओं के साथ ही जातिगत समीकरण भी डोटासरा ने यहां पर साधे और ऐसे में सुजानगढ़ की जीत का श्रेय डोटासरा को जाता है। सीएम गहलोत के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने में वो कामयाब हुए। बात सुजानगढ़ चुनाव परिणाम की, कांग्रेस के मनोज मेघवाल 35,500 मतों से जीते हैं। कांग्रेस को यहां पर 79,039 मत मिले। भाजपा के खेमा राम को मिले हैं 43,539 मत। आरएलपी के सीताराम नायक को 32,037 वोट मिले हैं। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कमान संभाली थी। मंत्री भंवर सिंह भाटी, प्रभारी नसीम अख्तर इंसाफ ने फील्ड संभाला था और आखिर कामयाब रही कांग्रेस की ये रणनीति। जिस तरह से पूरी रणनीति बनाई गई थी उसी हिसाब से ग्राउंड लेवल पर काम किया गया। सुजानगढ़ उपचुनाव परिणाम की हम बात कर रहे हैं, जहां कांग्रेस के मनोज मेघवाल 35,500 मतों से जीते हैं। कांग्रेस को यहां पर 79,039 मत मिले। भाजपा के खेमाराम को मिले 43,539 मत। वहीं आरएलपी के सीताराम नायक को 32,037 वोट मिले। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने यहां कमान संभाली हुई थी। मंत्री भंवर सिंह भाटी, प्रभारी नसीम अख्तर इंसाफ ने फील्ड संभाला हुआ था और आखिर कामयाब रही कांग्रेस की रणनीति। इधर सहारा में कांग्रेस ने बनाया एक नया रिकॉर्ड। सीधी टक्कर में भाजपा से 30% अधिक वोट लेने का यह रिकॉर्ड बनाया है। पिछले चुनाव में कांग्रेस की लहर थी और त्रिकोणीय संघर्ष में जीते थे स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी और कांग्रेस को मिले थे 37% वोट, लेकिन इस बार कांग्रेस को मिले 58% वोट, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा को मिले 28.14% वोट। और सहारा में आज कांग्रेस ने दर्ज किए 42,200 वोट से जीत। तो सहारा में कांग्रेस ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। सीधी टक्कर में भाजपा से 30% अधिक वोट लेने का रिकॉर्ड बनाया है कांग्रेस ने। पिछले चुनाव में कांग्रेस की लहर थी और त्रिकोणीय संघर्ष में जीते थे स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी। कांग्रेस को वहां तब मिले थे 37% वोट 2008 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार कांग्रेस को मिले 58% वोट, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा को मिले 28.14% वोट। और सहारा में आज कांग्रेस ने दर्ज की 42,200 वोटों से जीत। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। कोरोना संकट में ऑक्सीजन के नए मायने, धर्मेंद्र राठौर ने ढूंढ निकाले नए मायने। राठौर का पूरा परिवार है कोरोना पॉजिटिव, खुद और पत्नी सहित परिवार के दोनों सदस्य कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी डटे हुए थे चुनावी मैदान में। जब किसी ने पूछा राठौर से कि क्यों ले रहे हो इतना रिस्क, तो मुस्कुराते हुए राठौर ने दिया दो टूक जवाब और कहा सहाड़ा का चुनावी परिणाम ही मेरे लिए ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन के नए मायने यहाँ पर कोरोना संकट के दौरान निकले। धर्मेंद्र राठौर ने नए माने निकाले हैं ऑक्सीजन के। राठौर का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव है, खुद और पत्नी सहित परिवार के दोनों सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव, लेकिन फिर भी डटे हुए थे चुनावी मैदान। जब किसी ने पूछा कि राठौर से कि क्यों ले रहे हो इतना रिस्क, तो मुस्कुराते हुए राठौर ने दो टूक जवाब दिया और कहा सहाड़ा का चुनावी परिणाम ही मेरे लिए ऑक्सीजन है। एक निजी